के न्यूज खबरों की नई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं नेहा पांडे। आइए डालते हैं आज की खबरों पे एक नजर। बेटे की चाह में ससुराल वालों ने न्यू कॉलोनी बरही निवासी रूपा मिश्रा पर बेतहा जुल्म ढाया। लिंग परीक्षण कर दो बार गर्भपात कराया, तीसरी बार भी गर्भपात कराने की कोशिश की। जब वह तैयार नहीं हुई तो ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की, जिसमें रूपा को ब्रेन हैमरेज हो गया और पिछले एक साल से वो कोमा में थी। तीन दिनों पूर्व बरही अनुमंडलीय अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों ने सबको उसके ससुराल जमशेदपुर से गोविंदपुर भेज दिया। परिजनों के मुताबिक रूपा की शादी 7 मई 2009 को गोविंदपुर के प्रकाश रंजन मिश्रा के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद उसने बेटी को जन्म दिया। ससुराल वाले बेटी की चाहत रखते थे। फिर दूसरी बार गर्भपात हुई तो लिंग परीक्षण कराया गया। बेटी होने की जानकारी मिलने पर तीसरी बार भी गर्भवती हुई, फिर से लिंग परीक्षण कराया गया। बेटी होने की जानकारी मिलने पर पति, सास और ननद ने उस पर गर्भपात का दबाव बनाया। विरोध करने पर पिछले साल 16/17 को गला दबा दिया। उसके बाद मृतक समझ कर मायके में फोन कर दिया कि बेटी ने फांसी लगा ली है। परिजन तत्काल वहां पहुंचे, रूपा को TMH में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बताया कि गला दबाने से नस दब गया है, जिससे ब्रेन हैमरेज हो गया और वह कोमा में चली गई। इसके बाद घर वालों ने गोविंदपुर थाने में हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया। परिजनों ने मंगलवार को बाहरी थाने में आवेदन किया, जिसमें पति प्रकाश रंजन मिश्रा, सास कुसुम रानी मिश्रा और ननद सोनी कुमारी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि उन्होंने बार बार रिंग परीक्षण करवा कर गर्भपात कराया है। फिलहाल पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। उस बच्चे से आज तक हम लोगों को मिलवाया नहीं गया, ना ही लेकर के आया। जब हम लोगों ने दिल्ली इलाज करवाया, रिम्स में इलाज करवाया, TMH में इलाज करवाया, लेकिन उस बच्चे से कहीं भी मुलाकात नहीं हुई, ना ही वो घर लेकर के आया। जब हमने पोस्टमार्टम करा करके जब मृत शरीर को मैं सोचा कि उसकी बच्चे से मिलवा दूं, और अगर उन लोगों का लगता है कि वो लोग सही ढंग से अंतिम संस्कार कर देंगे, तब जो सो मैं उन लोगों को सपोर्ट भी कर दूंगा। बट वहां जाने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया लोगों ने, 50 लोगों ने हमारे एम्बुलेंस को घेर लिया। हमारे मनोज साहब गए थे लेकर के वहां पे। पुलिस का क्या रवैया था सर? पुलिस की रवैया सर एकदम बिल्कुल मिली हुई है। उन लोगों ने मेरे को धमकी दिया कि तुम्हारे को मैं अंडर अरेस्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उल्टा मर्डर केस करूंगा। इस तरह की बात उन लोगों ने बोला है। मेरी बहन, मृत बहन मेरे एम्बुलेंस में पड़ी हुई थी, बावजूद मेरे डेड बॉडी को लाने नहीं दिया हुआ। बस जब इस तरह का बोला, मैं बोला, वो लोग बोला मैं ससुराल वाला अन्याय करने लायक ही नहीं है। मेरी बेटी को मार मार के दाग दाग के पेट को रखा, जब बच्चा रहा पेट में तब उसको दागा, दूध बाद पेट के बच्चा के ऑपरेशन करवाया लड़की का, और सभी उसको मारता था, ताड़ना देता था। बच्ची बोलती थी, रोती थी, हमको दिखाती थी, देखो माँ पेट दागल है, माँ पर काला काला निशान दिखाती थी। माँ दुखी होगी इसके चलते चुप हो जाती थी माँ। हम समझाते थे बेटा, उनकी मृत्यु हो गई है वहाँ अस्पताल में। मेरे द्वारा जानकारी एकत्रित की गई, उस जानकारी में ये बात आई है सामने कि रूपा मिश्रा के परिवारजनों के द्वारा केस किया गया था गोविंदपुर थाने में, जो कि हमारे क्षेत्र अंतर्गत ही आता है, और उसके पति को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है, जैसी जानकारी आ रही है। और इससे ज़्यादा अभी हम लोग और भी जानकारी साउथ पॉइंट स्कूल में 3 दिवसीय डांस फिट और फिटनेस क्लासेस का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मिस इंडिया फोटोजेनिक निधि जायसवाल ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक डांस भी प्रस्तुत किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए साउथ पॉइंट स्कूल प्रचय अरविंद कौर ने कहा कि इस 3 दिवसीय डांसिंग क्लासेस का मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग और वायु के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की है, रख सकते हैं। Yeah.
इनॉग्रेशन किया है आज। ये कैंप 13, 14, 15 तारीख को होगा, जिसमें सभी एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और बाकी जो डांस में सिखाया जाएगा, ये फिटनेस रिलेटेड प्रोग्राम है, इसमें जो सिखाया जाएगा उसके बारे में डिटेल में मुकेश ही बताएंगे, लेकिन इसमें सभी एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मात्र 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस होगी। और इसका मेन मकसद ये है कि लोगों को फिटनेस के लिए जागरूक करना है। और चूँकि अभी समर वेकेशंस हैं, बच्चे भी फ्री होते हैं, बच्चों को भी कुछ ऐसे करने की ज़रूरत होती है जिससे वो अपने आप को फिट रख सके। डांस का क्रेज़ होता है बच्चों को, तो फिटनेस के साथ साथ डांस भी सीख पाएंगे बच्चे। कहने का मतलब ये है कि ये क्रिएटिविटी के साथ साथ बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फिटनेस से रिलेटेड अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा मिल सकता है बच्चों को। वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट शांति निकेतन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, सेंट्रल लाइब्रेरी एंड बुक बैंक, कंप्यूटर सेंटर, लैब, सेंटर कैफेटेरिया। जहां शिक्षा की अच्छी क्वालिटी के साथ साथ रोजगार की है 100% गारंटी, वो भी बेहतर पैकेज के साथ। बीटेक, एमटेक, एमबीए, पॉलिटेक्निक में चुने अपना करियर। आवर कॉन्टैक्ट 4943151960। बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े और करें आईटीआई कोर्सेज, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, मैकेनिक, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, सिविल और मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर। संपर्क करें 0326235066। चंदन शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाम मार्गी तांत्रिक, तन सम्राट, डबल गोल्ड मेडलिस्ट व स्वर्ण मुकुट से अलंकृत। मोबाइल नंबर 9835329295, 8092186531। झरिया कोल्डफील्ड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए चुने भूतगढ़िया में जामाडोबा फुट की मुख्य सड़क के किनारे स्थित ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल, जहां नर्सरी से 10 तक की दी जा रही है बेहतर शिक्षा। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो फिर देर किस बात की, जारी है नामांकन। आज ही चले आए ग्रीन फील्ड स्कूल। फीचर्स क्वालिटी एजुकेशन, को एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्पोर्ट्स एंड डांस। ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगढ़िया में बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से आने जाने की उत्तम व्यवस्था, सभी छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर क्लासेज की विशेष सुविधा, ताकि अच्छे पा सकें अच्छी शिक्षा और बना सकें बेहतर भविष्य। हमारा पता है ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगढ़िया, मैनेज्ड बाय ग्रीन फील्ड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जामाडोबा पुटकी रोड, छलिया, धनबाद। कॉन्टेक्ट करें 9155350875। किड्स एंजल पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन, 10 वर्षों से सफलता पूर्वक चल रहा है। फैसिलिटीज, स्पेसियस क्लासरूम, वेल फर्निश्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रेपुटेड सोसाइटी, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, बिग प्लेग्राउंड, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, सिक्योर कैंपस, मंथली फी आर इक्वल फॉर ऑल क्लासेस, राइम्स, ऑडियो एंड वीडियो, कल्चरल प्रोग्राम, एक्सपीरियंस टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नोट, फ्री एडमिशन फॉर नर्सरी किड्स, सो हरी अप, कॉन्टैक्ट टुडे। किड्स एंजल पब्लिक स्कूल, रिवर साइड, सुदामडी एंड पाथर डी अजमेरा, आर फोन नंबर ऑन योर टीवी स्क्रीन। मेरा मन करते मैं नो छोलो दिन खेलता रहूं, इतने चाले खिलौने और झूले और कंप्यूटर, वीडियो गेम और डांसी भी करूं। बोलो पापा कहते हैं ना मुझे ना है ना स्मार्ट बनने। न्यू एंजल होम स्कूल चलो ना मेरे साथ, खेलेंगे, डांसी डांसी करेंगे और इंग्लिश बोलेंगे, तभी तो स्मार्ट बनेंगे। प्रगतिशील, आत्मविश्वास से भरपूर व सचमुच स्मार्ट भारत को एक स्वस्थ नींव प्रदान करिए, क्योंकि नर्सरी एजुकेशन ही पूरी शिक्षा की आधारशिला है। न्यू एंजल्स होम स्कूल दूरदर्शी सोच के साथ साथ खेल खेल में शिक्षा तो देते ही है, साथ ही साथ नैतिक मूल्य एवं आधुनिक तकनीक का एक अनोखा संगम भी यहीं पर उपलब्ध है। इंग्लिश स्पीकिंग के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल बच्चों में वो विश्वास जगाए,
बच्चे बने परफेक्टली स्मार्ट। बच्चों की मनपसंद गतिविधियां व प्रतियोगिताएं, मंच पर बच्चों की शत प्रतिशत भागीदारी, स्पोर्ट्स व ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल में बच्चों का विकास एक ही उद्देश्य से होता है, ताकि बच्चे बने स्मार्ट। एक बार बच्चा न्यू एंजल्स होम स्कूल में आए तो नर्सरी से एक मजबूत नींव के साथ पूरी शिक्षा यहीं से प्राप्त करे। बार बार स्कूल बदलने की भी आवश्यकता नहीं। नन्हे मुन्नों को घर पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कॉन्वेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। सचमुच न्यू एंजल्स होम स्कूल, जहां बच्चे जाते हैं शौक से। और हमारा पता तो नोट कर लीजिए, न्यू एंजल्स होम स्कूल, तिगवा डिग नंबर 10, मांझी बस्ती, जेलगोड़ा, धनबाद। हमारा फोन नंबर है 0326325099। हमारा मोबाइल नंबर है 0983557992। रॉयल हाई स्कूल अपने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ मानसिक एवं शारीरिक विकास, बस फैसिलिटी भी उपलब्ध, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, सीबीएसई मान्यता प्राप्त। कॉन्टेक्ट फॉर क्वेरी, रॉयल हाई स्कूल, जोरा पोखर, धनबाद। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो चले आएं सेंट चिश्ती साहित्य मेमोरियल एकेडमी, डिगवाडी नंबर 10, मांझी बस्ती। को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन सीबीएसई एंड झारखंड। झरिया कोयलांचल का एक प्रतिष्ठित स्कूल, जो वर्षों से जगा रहा शिक्षा का अलग। नए सत्र के लिए जारी है नामांकन, नर्सरी, एलकेजी एवं यूकेजी में नामांकन है फ्री। प्रशिक्षित शिक्षकों व प्रोजेक्टर के साथ साथ कंप्यूटर द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, इस सत्र में फ्री नामांकन का लाभ उठाएं। हमारा पता है सेंट चिश्ती साहित्य मेमोरियल एकेडमी, डिगवाडी नंबर 10, मांझी बस्ती, धनबाद। हमारा वेबसाइट है www.ht.chisti.com और हमारा ईमेल एड्रेस है sa432968@gmail.com। कॉन्टेक्ट करें 9431513058 और 03262380702। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने एक अच्छा स्कूल, एक क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। सेंट जेवियर्स स्कूल शालीमार, झरिया कोयलांचल में बेहतर शिक्षा के लिए कृत संकल्पित। एडमिशन ओपन नए सत्र 2017-18 में जारी है नामांकन। अनुशासन, विनम्रता, शिष्टाचार एवं स्वच्छता जैसे गुणों का समावेश। सीसीटीवी कैमरे की नजर में स्कूल का मुख्य द्वार व सभी क्लासरूम। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है यह स्कूल। आप अपने बच्चों को बदले शिक्षा का स्वरूप दें। नर्सरी से 10 तक की शिक्षा की सुचारू व्यवस्था। हमारा पता है सेंट जेवियर्स स्कूल शालीमार, झरिया, सिंधी रोड, धनबाद। हमारा ईमेल एड्रेस है sentjeviersschool@gmail.com। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9431513961। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी सहारनपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ता सचिन वालीचा को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाने के विरोध में रविदास समाज संघर्ष समिति के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति के संस्थापक दिलीप राम ने कहा कि यूपी योगी राज में दलित और मुसलमानों के लिए जीने लायक नहीं रहा। यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज को अगर गुंडा राज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब से लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, जिसका पार्टी सड़क से लेकर यूपी तक आंदोलन करेगा ताकि दलितों पर हो रहे अत्याचार बंद हो सके। आज हम लोग रविदास समाज संघर्ष समिति की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का पुतला दहन किया। ये पुतला दहन हम लोग सहारनपुर में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के भाई जो सचिन बालिया की हत्या, नृशंस हत्या जो भगवा गुंडों द्वारा कर दी गई, इसके खिलाफ में हम लोग आज योगी के पुतला दहन किए हैं।
हम रविदास समाज संघर्ष समिति की ओर से कहना चाहेंगे कि जब से योगी की सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश में दलित अल्पसंख्यक की रहने लायक जगह नहीं रह गया है। वहाँ योगी के संरक्षण में भगवा गुंडों संघ के लोगों ने दलितों को चुन चुन पर हमला कर रहा है और योगी चुप है। हम रविदास समाज संघर्ष समिति की ओर से ये कहना चाहेंगे कि ये भगवा ब्रिगेड है, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसके हर कदम का विरोध करेंगे। बरवड्डा से सिटी सेंटर तक हो रहे सड़क चौड़ीकरण में बरटार स्थित जिला परिषद के 11 दुकानें आ रही है, जिसे तोड़ने का नोट। जनता मार्केट के सभी दुकानदारों ने बरटार चैम्बर के आह्वान पर अपनी दुकानें आज बंद रखी। बरटार चैम्बर के सचिव ने बताया कि जनता मार्केट के दुकानदार हाउसिंग बोर्ड को दुकानों का किराया देने को तैयार है। दुकानदार 28 वर्ष से जनता मार्केट में कारोबार कर रहे हैं, उसके बाद भी जिला प्रशासन की ओर से 11 दुकानों को तोड़ने का नोटिस दे दिया गया है। आज उसी को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दिया जा रहा है और दुकानों को बंद रखा गया। उनकी कारण हम लोग आज हमने बंदी रखा है। जिला परिषद के ये जो रोड चौड़ीकरण है पिछले 2 सालों से चले आ रही है। हम लोग सारे दुकानदार अच्छी तरह से जानते थे कि हमारा रोड विस्थापन में है और ये हमारे टूटेगी। आज जिला परिषद सिर्फ 7 दिन का ऑर्डर देकर हमारे दुकान खाली करने की मांग करती है। हम कहते हैं कि 25 सालों से ये दुकानदारी करते आ रहे हैं और अचानक हम ये 7 दिन में कैसे खाली कर देंगे, उसको हमको अपने एक वैकल्पिक व्यवस्था देती है। 2 सालों में बहुत कुछ प्लान किया जा सकता है जो जिला परिषद अपने तरफ फैलिए रहा। हम लोग इसी मामले में DDC से, SDO से और DDC के बोर्ड मीटिंग में भी इस चीज़ का मांग किया गया कि हमारी जो दुकानें टूटी है वो दुकानों को टूटने की जगह पर हमको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, हम दुकान देने के लिए तैयार हैं। हमारी एक ही मांग है कि दुकान दो फिर दुकान लीजिए, या हमारे रोजगार जो चल रही है, हमारे पालन पोषण की बात है, हमारा परिवार है, हर एक दुकानदार के 4 परिवार है, 5 परिवार, वो कहाँ जाएगा? और DDC के पास या जिला परिषद के पास इसकी कोई जवाब नहीं है। वो कहता है कि हम आपका दुकान तोड़ेंगे और दुकान दे देंगे, कब देंगे, क्या देंगे, कोई लिखित आश्वस्त नहीं है। तो आज हमें ये उन्हीं के लिए आश्वस्त कर दें कि हम इन्हें दुकान भी तोड़ेंगे तो दुकान कहाँ देंगे और कैसे देंगे उसका एक लेटर देते, उसी के वजह में नहीं तो आंदोलन हम और तेज करेंगे और आगे ले जाएंगे। कितना दुकान प्रभावित हो रहा है? दुकान ऐसे अभी 11 है लेकिन 117 दुकान प्रभावित हो गए। क्या आप लोग क्या मांग है? मांग ये कि दुकान दो दुकान लीजिए, हमारा कोई मांग नहीं, हमको वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, बेरोजगार ना कीजिए, हमें रोजगार दीजिए। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो आगे हम लोग रणनीति इसको उग्र करेंगे। अभी हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, आगे इसे उन लोगों को बहुत उग्र ले जाएंगे और तेज करेंगे। पूरा परिचय राज सिन्हा, बरटार चैम्बर सचिव। छात्रा युवा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ऋषिकांत यादव के नेतृत्व में प्राइवेट कोचिंग सेंटर तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी का पुतला दहन रणधीर वर्मा चौक पर किया गया। इस मौके पर ऋषिकांत यादव ने कहा कि कोचिंग सेंटर बेहतर एवं उच्च कोटि की शिक्षा देने के नाम पर धनबाद के गरीब अभिभावकों को ठग रही है। ऐसे शिक्षण स्थानों में ताला जड़ देना चाहिए जो बेहतर शिक्षा के नाम पर पैसे लेकर आयोग शिक्षकों से हमारे कल के भविष्य को समाज में अपाहिज बना रही है और ये सब जिला के शिक्षा विभाग के नाक के नीचे हो रहा है। शिक्षा पद अधिकारी मोनी बाबा बनी हुई है, अगर इन कोचिंग संस्थाओं में विभागशील नहीं करती है तो हम लोग खुद जाकर ताला जड़ेंगे। आकाश कोचिंग जैसे दर्जनों कोचिंग सेंटर है जिस पर जांच हो तो बड़े बड़े अनियमितता सामने आएगी। कुछ कोचिंग सेंटर में SC ST शिक्षकों को निकाला गया है, उनकी जाति पूछकर इसकी भी जांच हो। संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धनबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी का पुतला दहन। पुतला दहन करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो धनबाद जिला में जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें खड़ल्ले से अवैध वसूलियां शिक्षक अभिभावकों का किया जा रहा है। हम मांग करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी और धनबाद जिला प्रबंधक से कि ऐसे इंस्टीट्यूटों पर नकेल लगाए जो फैकल्टी के नाम पर 15 दिन तक देश के महानगरों से शिक्षक ला करके दिखला करके उसके बाद एक अशिक्षित
अयोग्य लोगों से वहाँ पर शिक्षा दिलाया जाता है और वहाँ पर ठगी हो रहा है। लाख डेढ़ लाख रुपया करके एक एक अभिभावकों से लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी धनबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अभी तक खामोश है, चुप है। एक अभी कल का घटना है जिसमें जो प्रकरण में आया है कि अभिभावकों से पैसा लेकर के और बच्चों को उच्च शिक्षा के नाम पर पैसा लेकर के बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। हम लोग लगातार इस पर आंदोलन करेंगे जब तक इन प्राइवेट इंस्टीट्यूटों पर नकेल ना कसा जा सके। कौन सा इंस्टीट्यूट का बात बता रहे हैं? आकाश में कल घटना घटी है, आकाश इंस्टीट्यूट में, और धनबाद जिला में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी नाम है, उस पर जाँच हो तो जाँच होने के बाद बड़ी इसमें अनियमितता नजर आएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट शांति निकेतन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, हेल्थ केयर सेंट्रल, लाइब्रेरी एंड बुक बैंक, कंप्यूटर सेंटर, लैब, सेंट्रल कैफेटेरिया। जहां शिक्षा की अच्छी क्वालिटी के साथ साथ रोजगार की है 100% गारंटी, वो भी बेहतर पैकेज के साथ। बीटेक, एमटेक, एमबीए और टेक्निक में चुने अपना करियर। Our contact phone 94315196 09। बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े और करें ITI कोर्सेज, इलेक्ट्रीशियन, फीचर, सर्वेयर, मैकेनिक, वेल्डर, क्राफ्टमैन, सिविल और मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर। संपर्क करें 03262350666। चंदन शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाम मार्गी तांत्रिक, तन सम्राट, डबल गोल्ड मेडलिस्ट व स्वर्ण मुकुट से अलंकृत। मोबाइल नंबर 9835329295 8092186531। झरिया कोल्ड फील्ड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए चुने भूतगढ़िया में जामाडोबा फुट की मुख्य सड़क के किनारे स्थित ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल, जहां नर्सरी से 10 तक की दी जा रही है बेहतर शिक्षा। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो फिर देर किस बात की, जारी है नामांकन। आज ही चले आए ग्रीन फील्ड स्कूल। फीचर्स, क्वालिटी एजुकेशन, को एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्पोर्ट्स एंड डांस। ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगढ़िया में बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से आने जाने की उत्तम व्यवस्था, सभी छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर क्लासेज की विशेष सुविधा, ताकि अच्छे पा सकें अच्छी शिक्षा और बना सकें बेहतर भविष्य। हमारा पता है ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगढ़िया, मैनेज्ड बाय ग्रीन फील्ड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जामाडोबा पुटकी रोड, छलिया, धनबाद। कॉन्टेक्ट करें 9155350875। किड्स एंजल पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन, 10 वर्षों से सफलता पूर्वक चल रहा है। फैसिलिटीज, स्पेसियस क्लासरूम, वेल फर्निश्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रेपुटेड सोसाइटी, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, बिग प्लेग्राउंड, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, सिक्योर कैंपस, मंथली फी आर इक्वल फॉर ऑल क्लासेस, राइम्स, ऑडियो एंड वीडियो, कल्चरल प्रोग्राम, एक्सपीरियंस टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नोट, फ्री एडमिशन फॉर नर्सरी किड्स, सो हरी अप, कॉन्टैक्ट टूडे। किड्स एंजल पब्लिक स्कूल, रिवर साइड, सुदाम डी एंड पाथर डी अजमेरा। आर फोन नंबर ऑन योर टीवी स्क्रीन। मेरा मन करते मैं नो छोलो दिन खेलता रहूं, इतने चाले खिलौने और झूले और कंप्यूटर, वीडियो गेम और डांसी भी करूं। बोलो पापा कहते हैं ना मुझे ना है ना स्मार्ट बनने। न्यू एंजल होम स्कूल चलो ना मेरे साथ, खेलेंगे, डांसी करेंगे और इंग्लिश बोलेंगे, तभी तो स्मार्ट बनेंगे। प्रगतिशील, आत्मविश्वास से भरपूर व सचमुच स्मार्ट भारत को एक स्वस्थ नींव प्रदान करिए, क्योंकि नर्सरी एजुकेशन ही पूरी शिक्षा की आधारशिला है। न्यू एंजल्स होम स्कूल दूरदर्शी सोच के साथ साथ खेल खेल में शिक्षा तो देते ही है, साथ ही साथ नैतिक मूल्य एवं आधुनिक तकनीक का एक अनोखा संगम भी यहीं पर उपलब्ध है। इंग्लिश स्पीकिंग के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल बच्चों में वो विश्वास जगाए, बच्चे बने परफेक्ट स्मार्ट।
बच्चों की मनपसंद गतिविधियाँ, वो प्रतियोगिताएं, मंच पर बच्चों की शत प्रतिशत भागीदारी, स्पोर्ट्स व ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल में बच्चों का विकास एक ही उद्देश्य से होता है, ताकि बच्चे बने स्मार्ट। एक बार बच्चा न्यू एंजल्स होम स्कूल में आए तो नर्सरी से एक मजबूत नींव के साथ पूरी शिक्षा यहीं से प्राप्त करे। बार बार स्कूल बदलने की भी आवश्यकता नहीं। नन्हे मुन्नों को घर पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कॉन्वेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। सचमुच न्यू एंजल्स होम स्कूल, जहां बच्चे जाते हैं शौक से। और हमारा पता तो नोट कर लीजिए, न्यू एंजल्स होम स्कूल, तिगवा डिग नंबर 10, मांझी बस्ती, जेलगोड़ा, धनबाद। हमारा फोन नंबर है 0326-325-0999। हमारा मोबाइल नंबर है 0983-557-9992। रॉयल हाई स्कूल अपने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ मानसिक एवं शारीरिक विकास, बस फैसिलिटी भी उपलब्ध, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, सीबीएसई मान्यता प्राप्त। कॉन्टेक्ट फॉर क्वेरी, रॉयल हाई स्कूल, जोरा पोखर, धनबाद। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो चले आएं सेंट चिश्ती साहित्य मेमोरियल एकेडमी, डिगवाडी नंबर 10, मांझी बस्ती। को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन सीबीएसई एंड झारखंड। झरिया कोयलांचल का एक प्रतिष्ठित स्कूल, जो वर्षों से जगा रहा शिक्षा का अलग। नए सत्र के लिए जारी है नामांकन, नर्सरी, एलकेजी एवं यूकेजी में नामांकन है फ्री। प्रशिक्षित शिक्षकों व प्रोजेक्टर के साथ साथ कंप्यूटर द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, इस सत्र में फ्री नामांकन का लाभ उठाएं। हमारा पता है सेंट चिश्ती साहित्य मेमोरियल एकेडमी, डिगवाडी नंबर 10, मांझी बस्ती, धनबाद। हमारा वेबसाइट है www.ht.chisti.com और हमारा ईमेल एड्रेस है sa432968@gmail.com। कॉन्टेक्ट करें 9431513058 और 03262380702। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने एक अच्छा स्कूल, एक क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। सेंट जेवियर्स स्कूल शालीमार, झरिया कोयलांचल में बेहतर शिक्षा के लिए कृत संकल्पित। एडमिशन ओपन नए सत्र 2017-18 में जारी है नामांकन। अनुशासन, विनम्रता, शिष्टाचार एवं स्वच्छता जैसे गुणों का समावेश। सीसीटीवी कैमरे की नजर में स्कूल का मुख्य द्वार व सभी क्लासरूम। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है यह स्कूल। आप अपने बच्चों को बदले शिक्षा का स्वरूप दें। नर्सरी से 10 तक की शिक्षा की सुचारू व्यवस्था। हमारा पता है सेंट जेवियर्स स्कूल शालीमार, झरिया, सिंधी रोड, धनबाद। हमारा ईमेल एड्रेस है sentjeviersschool@gmail.com। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9431513961। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल दो या जेल दो के नारे के साथ आज धनबाद के वाशेपुर वार्ड 14 के निवासी ने नगर निगम के घेराव को जमकर प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि कई महीनों से वार्ड 14 में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों और महिलाओं को खासकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद रमजान के पर्व भी आने वाला है, लेकिन अब तक पानी को लेकर कोई पहल नहीं की गई। वही इस मामले में नगर आयुक्त ने बताया इस मामले की जानकारी निगम को नहीं है, अगर ऐसी समस्या है तो जल्द से जल्द इसका निष्पादन कर दिया जाएगा। विगत एक से डेढ़ महीने तक वासेपुर वार्ड नंबर 14 में पेयजल की विकराल समस्या है, इसको लेकर के हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय से मिला और उनको वहाँ की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं मैथन के अलावा दूसरे इलाकों से भी पानी लाने की प्रयास कर रहा हूँ, अभी हफ्ता दिन ये समस्या रहेगा। लेकिन नगर प्रशासक से के आश्वासन के बाद हम लोगों ने संयम बरता कि चलो भाई कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, आज न कल पानी आ जाएगा। लेकिन पानी आने में एक से डेढ़ महीना लग गया। हमारे वार्ड पार्षद महोदय, उन्होंने लिखित दिया नगर निगम के कार्यालय में नगर आयुक्त महोदय को, लेकिन
उन्होंने एक कान सुना और एक कान बहरा करके वासेपुर की पेयजल की समस्या को अनदेखा करते चले आए। अंततः वासेपुर की सभ्य नागरिक ये आंदोलन करने पर बाध्य हो गई। पानी की विकराल समस्या का उदाहरण यह है कि वासेपुर के कई घरों में बच्चे स्नान करने नहीं सके इस भीषण गर्मी में। वासेपुर के कई घरों के लोग पानी बाथरूम में पानी नहीं रहने की वजह से कागज से उस स्थान को साफ किया है। ये एक विकराल समस्या है। नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय से कहना चाहते हैं कि वो भी अगर इंसान है, उनके घरों में अगर पानी नहीं हो तो उनको कैसा लगेगा। वासेपुर की जनता विगत डेढ़ महीने से पानी की समस्या को लेकर जूझ रही है। हमारी माँ और बहने पानी की समस्या को लेकर जूझ रही है। आने वाला हमारा रमजान शरीफ का महीना है, पानी नहीं है। अब मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आप भी इस देश के चौथे स्तंभ है, न्याय के एक सीढ़ी है, न्याय के प्रावधान है। आप लोग वासेपुर की सभी जनता के लिए, वासेपुर की लोगों के लिए, वासेपुर की माँ और बहनों के लिए, छोटे छोटे बच्चे इस आंदोलन में आए हुए हैं, इन बच्चों की दुआई आपको कि वासेपुर को न्याय दिलाने में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ये हिटलर शाही हुकूमत के हिटलर शाही अफसर को मैं कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद सभ्य लोगों की स्थान है, धन्यवाद सब्र करने वालों की स्थान है। अगर धन्यवाद के लोग सब्र का सीमा टूट जाएगा तो आप भी अपने कुर्सी पर चैन से नहीं बैठ पाइएगा। वासेपुर की पानी की समस्या को ज्यादा चित्र समाधान करने का कोशिश करें। अगर 4 दिनों के अंदर वासेपुर में नियमित रूप से पेयजल की व्यवस्था नहीं रहेगी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और नगर निगम कार्यालय का तालाबंदी हो जाएगी। पूरा नाम बता दीजिए। मोहम्मद मुर्तजा खान। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और यदि ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से हम लोग पेयजल विभाग के संज्ञान में लाएंगे और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। सर, पुराना बाजार में एक बाजार असूला जा रहा है चौपाटी से, वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रतिदिन 100 रुपया मांगा जा रहा है, खिलाफ जो लोग देने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, पूरे शहर में रंगदारी अलग अलग कोने पे अलग अलग तरीके से चल रही है, चाहे वो ऑटो एसोसिएशन को लेकर के हो, चाहे बाकी चीज़ों को लेकर के हो। हम लोग इसको सैराट के रूप में घोषित करने के लिए कटिबद्ध हैं और मैं आशा करता हूँ कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इन सैरातों की प्रॉपर बंदोबस्ती में हेल्प करेगा ताकि ये रंगदारी भी रुके और निगम को राजस्व की प्राप्ति। आपने तो वहाँ सैरात कर दिया है लेकिन वहाँ वो लोगों को टैक्स जो लिया जा रहा है उसका रसीद दे दिया जा रहा है, 100 रुपया प्रति ठेला वसूला जा रहा है। इसके लिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी उन रंगदारों के खिलाफ। झारखंड के महाधिवक्ता अजीत कुमार की पहल पर बार एसोसिएशन ने विगत 2 मई से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज से समाप्त करने की घोषणा की। महाधिवक्ता अजीत कुमार सुबह धनबाद पहुंचे, सर्किट हाउस में उन्हें उपायुक्त ए तोड़े तथा एसएसपी मनोज रतन चौथे से वार्ता की। अधिवक्ताओं की चट्टानी एकता की प्रशंसा करते हुए महाधिवक्ता ने कहा, जब सरकार और प्रशासन के निक्षेप जाँच का वादा किया है तो उन्हें मौका देना चाहिए। महाधिवक्ता ने कहा कि यदि कभी भी ऐसा प्रतीत होगा कि अश्विनी कुमार मामले में निक्षेप जांच नहीं हो रही है तब वो स्वयं सरकार के सामने इस मामले में न्यायिक जांच करने की मांग करेंगे। धनबाद बार के ऐतिहासिक में संभवतः यह पहला मामला है जब यहां के अधिवक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए राज्य के महाअधिवक्ताओं को धनबाद आना पड़ा। वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट शांति निकेतन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, सेंट्रल लाइब्रेरी एंड बुक बैंक, कंप्यूटर सेंटर, लैब, सेंटर कैफेटेरिया। जहां शिक्षा की अच्छी क्वालिटी के साथ साथ रोजगार की है 100% गारंटी, वो भी बेहतर पैकेज के साथ। बीटेक, एमटेक, एमबीए और टेक्निक में चुने अपना करियर। Our contract for 9431519609। बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े और करें ITI कोर्सेज, इलेक्ट्रीशियन, टीचर, सर्वेयर, मैकेनिक, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, सिविल और मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर। संपर्क करें 0326235066। चंदन शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाम मार्गी तांत्रिक, तन सम्राट, डबल गोल्ड मेडलिस्ट व स्वर्ण मुकुट से अलंकृत। मोबाइल नंबर 9835329295, 8092186531। झरिया कोल्डफील्ड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए चुने
भूतगड़िया में जामाडोबा पुट की मुख्य सड़क के किनारे स्थित ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल, जहां नर्सरी से 10 तक की दी जा रही है बेहतर शिक्षा। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो फिर देर किस बात की, जारी है नामांकन। आज ही चले आए ग्रीन फील्ड स्कूल। फीचर्स: क्वालिटी एजुकेशन, को एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्पोर्ट्स एंड डांस। ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगड़िया में बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से आने जाने की उत्तम व्यवस्था, सभी छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर क्लासेज की विशेष सुविधा, ताकि अच्छे पा सकें अच्छी शिक्षा और बना सकें बेहतर भविष्य। हमारा पता है ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगड़िया, मैनेज्ड बाय ग्रीन फील्ड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जामाडोबा पुटकी रोड, छरिया, धनबाद। कॉन्टेक्ट करें 9155350875। किड्स एंजल पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन, 10 वर्षों से सफलता पूर्वक चल रहा है। फैसिलिटीज: स्पेसियस क्लासरूम, वेल फर्निश्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रेपुटेड सोसाइटी, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, बिग प्लेग्राउंड, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, सिक्योर कैंपस, मंथली फी आर इक्वल फॉर ऑल क्लासेस, Rhymes, audio and video, cultural program, experienced teachers, transport facility. Note: free admission for nursery kids. So hurry up, contact today. Kids Angel Public School, Riverside, Sudamdi, and Pathar D. Ajmera. Our phone number on your TV screen. मानकलते मेनो छोलो दिन खेलता रूं इत्ते चाले खिलौनियों अल झूले अल अल ओ कंप्यूटर वीडियो गेम और डांसी डांसी भी करूं बोलो पापा कहते हैं ना मुझे ना है ना स्मार्ट बनने न्यू एंजल होम स्कूल चलो ना मेरे साथ खेलेंगे डांसी डांसी करेंगे और इंग्लिश बोलेंगे तभी तो स्मार्ट बनेंगे प्रगतिशील आत्मविश्वास से भरपूर वे सचमुच स्मार्ट भारत को एक स्वस्थ नींव प्रदान करिए क्योंकि नर्सरी एजुकेशन ही पूरी शिक्षा की आधारशिला है न्यू एंजल्स होम स्कूल दूरदर्शी सोच के साथ साथ खेल खेल में शिक्षा तो देते ही है साथ ही साथ नैतिक मूल्य एवं आधुनिक तकनीक का एक अनोखा संगम भी यहीं पर उपलब्ध है इंग्लिश स्पीकिंग के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल बच्चों में वो विश्वास जगाए बच्चे बने परफेक्ट स्मार्ट बच्चों की मनपसंद गतिविधियां वो प्रतियोगिताएं मंच पर बच्चों की शत प्रतिशत भागीदारी स्पोर्ट्स व ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल में बच्चों का विकास एक ही उद्देश्य से होता है ताकि बच्चे बने स्मार्ट एक बार बच्चा न्यू एंजल्स होम स्कूल में आए तो नर्सरी से एक मजबूत नींव के साथ पूरी शिक्षा यहीं से प्राप्त करे बार बार स्कूल बदलने की भी आवश्यकता नहीं नन्हे मुन्नों को घर पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कॉन्वेंस की भी सुविधा उपलब्ध है सचमुच न्यू एंजल्स होम स्कूल जहां बच्चे जाते हैं शौक से और हमारा पता तो नोट कर लीजिए न्यू एंजल्स होम स्कूल टेगवाडिक नंबर 10 मांझी बस्ती जलगोड़ा धनबाद हमारा फोन नंबर है 03263250999 हमारा मोबाइल नंबर है 09835579992 रॉयल हाई स्कूल अपने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ मानसिक एवं शारीरिक विकास बस फैसिलिटी भी उपलब्ध लाइब्रेरी प्लेग्राउंड सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्टेक्ट फॉर क्वेरी अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो चले आएं सेंट चिस्ती साहित्य मेमोरियल एकेडमी डिगवाडी नंबर 10 मांझी बस्ती को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन सीबीएसई एंड झारखंड झरिया कोयलांचल का एक प्रतिष्ठित स्कूल जो वर्षों से जगा रहा शिक्षा का अलग नए सत्र के लिए जारी है नामांकन नर्सरी एलकेजी एवं यूकेजी में नामांकन है फ्री प्रशिक्षित शिक्षकों व प्रोजेक्टर के साथ साथ कंप्यूटर द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था तो फिर देर किस बात की इस सत्र में फ्री नामांकन का लाभ उठाएं हमारा पता है सेंट चिस्ती साहित्य मेमोरियल एकेडमी डिगवाडी नंबर 10 मांझी बस्ती धनबाद हमारा वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट एच टी
sa43296@gmail.com और हमारा ईमेल एड्रेस है sa43296@gmail.com। कांटेक्ट करें 9431513058 और 03262380702। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने एक अच्छा स्कूल, एक क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। संत जेवियर्स स्कूल शालीमार झरिया कोयलांचल में बेहतर शिक्षा के लिए कृत संकल्पित। एडमिशन ओपन नैसर 2017-18 में जारी है नामांकन। अनुशासन, विनम्रता, शिष्टाचार एवं स्वच्छता जैसे गुणों का समावेश। सीसीटीवी कैमरे की नजर में स्कूल का मुख्य द्वार व सभी क्लासरूम। CBSE पैटर्न पर आधारित है यह स्कूल। आप अपने बच्चों को बदले शिक्षा का स्वरूप दें। नर्सरी से 10 तक की शिक्षा की सुचारू व्यवस्था। हमारा पता है संत जेवियर्स स्कूल शालीमार झरिया सिंधी रोड धनबाद। हमारा ईमेल एड्रेस है santjeviersschool@gmail.com। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9431513961। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BCCI के प्रमोशन कार्यक्रम के तहत DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धनबाद के ग्रोव ग्राउंड में वीवो आईपल के फैन पार्क आयोजन को लेकर तैयारी अंतिम चरण पर है। क्रिकेट के प्रेमी 12 और 13 मई को होने वाली वीवो आईपल सीजन 11 मैच को सीधा प्रसारण यहां विशाल स्क्रीन पर देख सकेंगे। जानकारी आयोजकों ने सोनोटेल में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। BCCI से मोहन विजुअल झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के देवशीर्ष चक्रवर्ती, धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन से विनय सिंह, ललित जगनानी ने प्रेस को संबोधित किया। आयोजकों ने बताया कि LID स्क्रीन 32x18 की होगी, जिसमें प्रसारित मैच को देखकर रियल तौर पर स्टेडियम में बैठक मैच देखने जैसा अनुभव मिलेगा। इस फैन पार्क में कई तरह जहां की फायर दर पर लोगों को लजीज व्यंजन मिलेंगे। आयोजन स्थल में प्रवेश के लिए लोगों को कोई शुल्क नहीं देनी पड़ेगी। 12 व 13 मई को शाम 4 बजे से देर रात 11 बजे तक मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आयोजन स्थल पर एक साथ 10,000 लोग उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने बताया 10,000 से ज्यादा लोग के उपस्थित होने पर सुरक्षा के मैनेजर प्रवेश रोक दिया जाएगा। फुल मौज मस्ती इस बार वीवो आईपीएल फैन पार्क 36 शहरों में किया जा रहा है। धनबाद 24वां शहर होगा। BCCI ने आईपीएल को बढ़ावा देने के लिए 2015 में आईपीएल फैन पार्क शुरू किया था। ये जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो उसी समय एक डिसीजन ये हुआ था कि आईपीएल 8 वेन्यूज में होते हैं। 8 वेन्यूज में उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजीज के सिटी में होते हैं। उस सिटी के बाहर में जो आईपीएल का क्रेज है वो कैसे जा सकते हैं, तो देन BCCI एंड ऑल्सो दी टीवी, जो टीवी राइट खरीदते हैं, बोथ ऑफ दी एजेंसीज, दे डिसाइडेड इट हैज टू स्प्रेड दी क्रिकेट महल ऑफ दी आईपीएल टू ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, ताकि हर आदमी जो आईपीएल लेके टीवी में देखते हैं और उसका जो एक फैन क्रिएट होते हैं जो ग्राउंड पे जा नहीं सकते, वो हर शहर में उस सेम चीज को बड़े स्क्रीन में देखे और उस महल को अपने पर्सनली फील करे। दैट इज द कनेक्शन बिटवीन द आईपीएल मैचेस, द ट्रेंड ऑफ द आईपीएल मैचेस, द ग्लैमर ऑफ द आईपीएल मैचेस एंड इंजेक्शन, माने एज ए इंजेक्शन इंजेक्ट टू द पीपल। ये सारे जब वो एक साथ आ जाते हैं तो ये आईपीएल का 10 साल का सक्सेस। ये तो जिस दिन आईपीएल स्टार्ट हुआ था उस ईयर छोड़ के नेक्स्ट ईयर से ये फैन पार्क चल रहे हैं। ये सारे शहर में एक 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 जगह में, जैसे झारखंड में लास्ट 4 ईयर्स में जमशेदपुर हुआ है, रांची हुआ है, रांची में 2 बार हुआ है, जमशेदपुर में लास्ट ईयर हुआ है, इस बार भी हो रहा है। इस बार धनबाद को सिलेक्ट किए, नेक्स्ट ईयर फिर हर एक सिलेक्ट करेंगे। ये ऑल ओवर इंडिया के हर जगह में ये फैन पार्क घूमते घूमते काम करते हैं। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व मध्यम रेलवे महिला संगठन की ओर से ग्रुप डी के कुल 80 कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें प्रसारित पत्र देकर सम्मानित किया। आयोजन रेलवे
ऑडिटोरियम में हुआ। सभी विभागों से चार चार कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष प्रीति मिश्रा ने कर्मियों को संबोधित कर उनसे इस तरह का संपन्न भाव के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे जारी रखा जाएगा। इस समारोह में लक्ष्मी विकास केंद्र में तैयार होने वाले शुद्ध मसालों को भी स्टॉल लगाया गया। संगठन के सचिव प्राची झा ने बताया WW की ओर से केंद्र संचालित है, जिसमें से 3 कर्मी लगातार मेहनत करके शुद्ध मसाला तैयार करते हैं। इस मसाले का इस्तेमाल आज रेलवे के अधिकारी एवं कर्मियों के घरों में हो रहा है। मसालों की बिक्री से जो भी आर्थिक लाभ होता है उसे संगठन वेलफेयर के कामों में भी लगाया जाता है। मौके पर संगठन के सचिव प्राची झा ने बताया कि कर्मी रेलवे हमारी रीढ़ है और रेल कर्मी के प्रयास से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रीति मिश्रा की तरफ से एक लेबर्स डे का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था और यहाँ पे आज हमने ग्रुप डी के स्टाफ को सम्मानित किया है। सभी डिपार्टमेंट से 4-4 स्टाफ आए थे। कुल मिला के 80 स्टाफ्स को प्रशस्ति पत्र, उपहार और फूड पैकेट्स दिए गए हैं। और मैम, क्या ये मानना है हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रीति मिश्रा का कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे जिससे ये जो कर्मचारी दिन रात एक करके रेलवे के सुचारू ढंग से परिचालन में हमारा साथ देते हैं, आगे भी वो ऐसा हमारे साथ हमेशा आगे भी करते रहेंगे? ये वेलफेयर की दुआ, ये हमारा आज मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि आज यहाँ पे शुद्ध मसाले का एक स्टॉल लगाया गया है। हमारे WW की तरफ से शुद्ध मसाले का केंद्र चलाया जाता है जिसका नाम विजय लक्ष्मी मसाला केंद्र है। यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध मसालों की बिक्री होती है और आप सब भी यूज़ करके देखें, ये काफ़ी अच्छा और बढ़िया मसाला है। ये किन के माध्यम से तैयार हो रहा है? हमारे यहाँ 3 स्टाफ हैं जो बहुत ही नीडी हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है, उन लोगों को हम लोगों ने कार्य पर रखा हुआ है। ये भी एक वेलफेयर का काम आता है। जो हमारे पास इसका जो भी प्रॉफिट आता है या जैसे भी हमारे पास इसका रिसोर्सेज आता है उसी से हम लोग उन लोगों को पेमेंट वगैरह देते रहते हैं, जिसमें हमारे 2 लेडीज़ हैं और 1 जेंट्स स्टाफ रखा है हम लोगों ने।